एक मिनट ही बैठेगा, देख रहे हैं अभी क्या करता है, एक मिनट किसी को बैठा नहीं। ये मम्मी पापा की पुरानी फोटो। भगत के घर बच्चा आ गया है और वो है राम राम सीताराम सबको। तो ये है छोटू ओम का फोटो, जब ओम को हुए थे एक साल इन 3-4 महीने 5 दांत आए थे, क्योंकि ओम को दांत बहुत ही देरी से आए थे, चलना पहले सीख गया था। और अभी हम ये रूम में पूरा क्लीनिंग कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें बाहर पड़ी है, मेन वाली बेन अभी पूरा कर रहे हैं पूरा काम। और जल्द हम आपको सारी, आज बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है कि भगत के घर बच्चा आ गया है ऑलरेडी, बेबी गर्ल है या बेबी बॉय वो हम आपको बताते हैं। हमारी जो टीलू है उसका भी बेबी आने वाला है जल्द, तो सारी डिटेल आपको बताएंगे। वीडियो पूरा देखना और जल्दी से सब्सक्राइब भी कर देना। और आज ये क्लीनिंग कर रहे हैं, सब कुछ तैयारियां हो रही है, क्योंकि कोई स्पेशल आने वाला है वो भी आज आपको, बहुत सारे सरप्राइजेस आज के वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। ये हमने दोनों की फोटो जो बनवाई थी जब सी बहुत छोटा था, अभी यहाँ पे ना क्लीनिंग चल रहा है पूरा, रेगुलर क्लीनिंग होता है फिर ये क्लीनिंग होता है। और अभी हम एक गुड न्यूज शायद आपको बता भी दे अभी कि भगत के घर बच्चा आ गया है और वो है बेबी बॉय, बेबी बॉय जल्दी दिखाएंगे आपको, लड़का हुआ है, बधाई हो सबको, सब दोनों ठीक है मम्मी बेबी, और कल तक आ जाएंगे वापस घर, तो आपको जल्द ही बेबी भी दिखाएंगे छोटा वाला, हम भी देखने के लिए एक्साइटेड है कि कैसा होगा, तो बाकी की सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। और क्या गुड न्यूज देने वाले, अभी आप सब कुछ क्लीनिंग कर वो गुड न्यूज रामदेव बताएगा, क्लीनिंग और तैयारियां चल रही है, क्योंकि मेरी जो यूके वाली सिस्टर है वो आ रही है इंडिया, तो जल्दी आएगी और जब आएगी तो आपको दिखाएंगे। सब एक्साइटेड है क्या, और सबको मिलवाएंगे, हाँ सबको, तो मजा आएगा। स्पेशली रक्षा बंधन के टाइम भी इस साल यहाँ पे होंगे, शांति बहन भी आएंगे, तो सब लोग एंजॉय करेंगे साथ में, सब मिलेंगे। यस, तो अभी हम पूरा रूम ऊपर रेडी करने वाले हैं, सीन के लिए रूम रेडी करना पड़ेगा, बच्चे के साथ में मेरी बहन जी के और हेलन उसको और भाई दोनों और सिस्टर, सब लोग आ रहे हैं, कि सिस्टर की पूरी फैमिली आएगी। और काजल बहन का जो यूट्यूब चैनल है काजल खुटीज फैमिली ब्लॉग, तो आप वो भी देखना, हम इसमें टैग कर देंगे, तो वहाँ पे भी अपडेट्स आती रहेंगी, और कब आने वाले हैं वो भी जल्द ही पता चल जाएगा। अभी इसको दो को हम ऊपर जाने देने वाले हैं। ये मम्मी पापा की पुरानी फोटो है, ऑलरेडी इसमें थोड़ा सी फोटो डैमेज हो गई है, लेकिन पहले जो ऐसे पहनते थे हमारा ट्रेडिशनल, ये गहने हैं सारे। और मम्मी और पापा की शादी हुई थी आई थिंक इस टाइम पे, मम्मी बहुत छोटे है, ऑलरेडी दिख रहा है, और बहुत पुरानी फोटो है। और ये हमारी शादी के टाइम की फोटो है, ये तो दूसरी बहुत सारी फोटो है, लेकिन ये खुली है तो थोड़ी सी डैमेज हो गई है, लेकिन डिफरेंस देख सकते हो ऑलरेडी। ये 2009 में हमारी शादी के टाइम की फ़ोटो है। और ये ओम की जो हमने करवाई थी वो है पूरा, इसमें टाइम है, लंदन लिखा है प्लेस, और 8:23 पे ओम का जन्म हुआ था वहाँ पे। टीलू को अभी लग रहा था इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसने अभी दूध भर लिया अच्छे से, ये जल्द ही बच्चा देगी अभी। ये हमने जब व्लॉगिंग स्टार्ट किया था 2018 में किया था, लेकिन ट्रैवल व्लॉग हमने स्टार्ट किया था, सोमनाथ गए थे तब की है, वो बहुत छोटू लग रहा है। तो ये पुरानी फोटो है, किलेश्वर महादेव का मंदिर है जो हमारे बड़ा माउंटेन में, वहाँ की है मम्मी पापा की फोटो ये वाली, और ये पापा के दोनों भाई की फोटोज है, दोनों की डेथ हो गई, ये पापा है और रामो के पापा यहाँ पे, और ये चाचा है दूसरे। यहाँ पे ना तीन लोग हैं, शिव सो रहा, ओम खेल रहा, और ओम के पास बाहु बैठा हुआ है। तो आज स्पेशल रोटला बन रहा है मम्मी के हाथ का, तो बहुत ही टेस्टी, पेट को मजा आए ऐसा रोटला, ऐसा ओम बोलता था जब छोटा था कि आई मुझे ऐसा रोटला बना दो जो पेट को मजा आए, अभी सब खाएंगे रोटला आज। क्योंकि ओम को बहुत ज्यादा मक्खन चाहिए साथ में, तो अभी क्या है आज क्लीनिंग चल रहा है, तो कुकिंग डिपार्टमेंट मम्मी को दे दिया था, रोटला करे नहीं,
हाँ, क्योंकि इतने टाइम में हमारा जल्दी जल्दी क्लीनिंग हो जाए सब कुछ, फिर सीव का भी होता है साथ में। और बस रोटला अभी रेडी हो रहा है और मैं अभी आज सब खाएंगे, सीव भी खाएगा दही एंड रोटला, और उसको मिक्स करके प्यूरी करके हमारे गेस्ट आए हैं जीवा मामा, तो वो सब अभी खाने के लिए बस बैठ रहे हैं। सीव ऑलरेडी वहाँ पे है, वो देख रहा है कि आज दो आ तो कैसे है यहाँ पे। तो क्लीनिंग अभी एक रूम का ऑलमोस्ट हो चुका है, अभी दूसरा रूम और आगे का बाकी है, वो अभी ख़त्म कर देंगे जल्दी जल्दी। यहाँ पे ये लोग ना मंकी बने हुए, भारती मंकी बनी है और ये लोग भारती की तारीफ कर रहे हैं, वाली बहन और सुनीता, संगीता क्या नाम, सोनीता। और ये हमारा पुराने वाला कबर्ड और पास में इससे भी पुराने वाला कबर्ड। अभी बारिश थी आज पूरा दिन, अभी के लिए स्टॉप हुई है, गेस्ट आए हैं, एक कजिन सिस्टर है और लखा भाई आए हुए और मामा भी है वहाँ पे, रामदेव भी वहाँ पे बैठा हुआ है। अभी कौन खेल रहा है यहाँ पे, हीरल है, हव्या, क्या गेम खेल रहे हो, हाँ गेम खेल रहे हो, कौन सी गेम। यहाँ पे मेरी सिस्टर है, एक सिस्टर की बेटी है एंड मम्मी है यहाँ पे। हैवी रेन की वार्निंग्स है, सबसे ज़्यादा आज बारिश आएगी ऐसी वार्निंग्स है, और अभी से बहुत ही ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो गई है। अभी सुबह के 8 बजे तो बहुत ज़्यादा बारिश ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, खेतों में बहुत ज़्यादा पानी आ चुका है। हमारा पहाड़ नहीं दिख रहा है पीछे, और चारों तरफ सिर्फ बारिश की बारिश दिख रही है। ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो गई और वाली बहन ने डिसाइड किया कि यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे अभी बर्तन वॉश कर रहे। और आज की वार्निंग थी कि सुबह से बहुत ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे खेल रहा है पापा के साथ, मम्मी वहाँ पे थोड़ी सी हेल्प कर रहे हैं वाली बहन को अंदर किचन में, और बहुत ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो गई है। और आज अभी पता नहीं आने वाले हैं, आज वैसे संडे भी है, तो आज 23 को बहुत ही ज़्यादा वार्निंग थी बारिश की। रामदेव वो भी सो रहे, और एक दिन भी जब ओम गया था ना स्कूल, तब जब गया तब बारिश नहीं थी, जब वापस आया तब बहुत ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो गई थी। आज तो छुट्टी, अगर कल ज़्यादा बारिश होगी तो कल भी नहीं भेजेंगे स्कूल, ऐसा चलेगा, एक या दो दिन नहीं जाएगा स्कूल तो, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश में नहीं जा सकता। और जो न्यू बॉर्न बच्चा आ गया है ऑलरेडी, बेबी बॉय, वो भगत, न्यू बॉर्न बच्चा और बेबी की मम्मी सीमा, वो सब आई थिंक आज आएंगे, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि इतनी ज़्यादा बारिश आती है ना तो हमारा पूरा कनेक्शन टूट जाता है दूसरे गाँवों से, क्योंकि चारों तरफ नदियां हैं, बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है। तो पता नहीं आज आ पाएंगे या नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है पोरबंदर, और आज संडे है तो आज शायद छुट्टी ना मिले, तो फिर कॉल आ जाएंगे। तो अभी देखते हैं जो भी अपडेट्स है आपको देंगे। अभी मैं शिव को एक बार वापस चुका देती हूँ, लाइट नहीं है अभी तो, जो सब कुछ है वो बंद कर दिया ताकि हम इन्वर्टर की बैटरी को रख पाए, वो वीडियो एडिटिंग और अपलोडिंग कर पाए। यहाँ पे ना ओम रोटी में मुझे हेल्प कर रहे, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगता है, तो ओम काउंटिंग करता है 10 सेकंड, फिर ऐसे करके रोटी सेक रहा है और मैं रोटी बना रही हूँ। उफल गया, उफल वालों ने, उफल वालों ने देखता रहे, उफल वालों ने उठ गए, फुल के फुल फुल गए।
भी बारिश आ रही है, बारिश आ रही है, बारिश आ रही है, बारिश आ रही है, बारिश आ रही है। मैंने सब वहाँ पे खाई थी, यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी आ रहा है और लाइट भी नहीं है, तो यहाँ ध्यान से चलना क्योंकि यहाँ पे गिर सकते हैं। इतने गिरे नहीं हो, बहुत ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो गई है और आज बहुत ज़्यादा वार्निंग से, तो अभी देखते हैं कितनी बारिश आएगी। और सब भाई कहीं है दूसरी साइड काम कर रहे अभी एनिमल्स का, और अभी हमारे एनिमल्स सारे अंदर है, कोई बाहर नहीं है, तो ठीक है। और आज छुट्टी भी है उनकी, और हमारे वीडियोग्राफर है वाली बहन। अभी बर्तन यहाँ पे है, लेकिन अभी क्या करें, बारिश बहुत ज़्यादा आ रही है, तो कम हो जाए थोड़ी सी। यहाँ वीडियोग्राफर लड़की जा रही है करने। अभी ना एक ना एक आ रहा होगा शायद, बारिश है तो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो दिखाते कि कितना पानी जा रहा है, क्योंकि पूरा बाहर का जो सेटअप है ना वो एक ही है। हाँ, तो अभी भगवान ने एक ही वही पोज हाँ। करके रखा है, तो अभी सबको खाना भी है। रामदेव भी खाएगा, मैं तो सुबह सुबह दूध की कटोरी पी लेती हूँ, रामदेव चाय पीता है, तो फिर नींबू वाली रेड चाय पीता। हमारी टीलू का बेबी भी जल्द ही आने वाला है, तो फिर देखते हैं कब, 3-4 दिन तो और हाँ। देख पापा फिर से इतना पानी जा रहा है, तो ये पूरा पानी कितना पानी है। अभी बहुत ज़्यादा बारिश आएगी ना, तो फिर हमारा ग्रास, हमारी मूंगफली, सारी चीज़ों में नुकसान हो सकता है। अभी अभी मैं क्यूकम्बर देखने मुझे जाना है, लेकिन लगता नहीं अभी इस टाइम पे हो गए कोई, लेकिन देख के आती हूँ अगर कोई मिल जाए तो। अभी वेजिटेबल सब कुछ इसमें अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता, क्योंकि बारिश इतनी होती है तो इसमें पानी भरा रहता है, इसको सनलाइट मिलती नहीं है अच्छे से। और मूंगफली में भी इतना पानी जा रहा है। भिंडी है लेकिन वो भी बड़ी हो गई, क्योंकि हम 3-4 दिन से आए ही नहीं यहाँ पे भिंडी लेने के लिए। तो मैं क्यूकम्बर देख के आती हूँ, छोटू वाला जा रहा है, फिर पूरी मूंगफलियों की लाइन में से आगे जा रहा है, क्योंकि इस साइड पहाड़ है, पहाड़ से इस साइड थोड़ा थोड़ा नीचे का एरिया है, तो सारा पानी पहाड़ की साइड से इस साइड पे जाता है। मुझे डर लगा कि कुछ टच हुआ, लेकिन अभी ध्यान भी बहुत रखना जरूरी है, क्योंकि पानी में ना बहुत ज्यादा सांप निकलते हैं, तो पानी होता है तो सांप फिर कहीं जा नहीं पाते, तो सारे सांप कहीं आ सकते हैं। तो हमारा 2 रूम का क्लीनिंग कल हुआ है, आज देखते हो अभी ये यहाँ का करते हैं या नहीं। और खाना अभी पापा एंड रामदेव बैठे अभी, और तुमको भी खाना है ना, यहाँ पे सॉक्स पहनाने की कोशिश में थोड़ा सा ना शिव एक मीट ही बैठेगा, देख रहे अभी क्या करता है, एक मीट भी शिव को बैठा नहीं वो कपड़े पहनाने का टाइम भी नहीं देता, देखो अभी बाहर बारिश है, थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है, लेकिन ठंडी हवा है तो सॉक्स पहना के रखना जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी सर्दी है थोड़ी थोड़ी। ओके कट। यहाँ पे ना ओम और भारती तो इसका सेपरेशन कर रहे हैं और क्लीनिंग भी कर रहे हैं, करके दिखाते हैं। नहीं चाहिए वो बोल रहे यहाँ पे मेन वाली बहन सारा टॉयज वॉश कर रहे ना, तो हम यहाँ पे ये ध्यान रख रहे हैं। और वस्ता भाई है ना, हम यहाँ पे कुछ गेम इसको IQ फिट को खत्म करने की कोशिश में दिमाग लड़ा रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है आई थिंक, क्योंकि ब्लैंक में से करना थोड़ा सा हार्ड होता है, जब एक दो हो ऐसे तो इजी हो जाता है। मैं हेल्प कर दूं थोड़ी सी? नो, ठीक है। ओम ने एक बार खत्म कर लिया, व्यवस्था भाई का टर्न है इसको पूरा करना। ये सारे ओम के लेगो टॉयज है, जो कभी भी इसको किसी को टच करने देता नहीं है। अभी इसका बॉक्स वॉश करके वापस इसमें रख देंगे, और ये इसका जो बॉक्स था इसको वॉश कर रहे। अभी हमारा क्लीनिंग चालू है, कंटिन्यू है, वाली बहन में अभी है इसके पीछे। अभी ये बाहर का आज हो रहा है, हो जाएगा अभी 4:30 बजे 5:30 बजे तक, 1 घंटे तक ये हो जाएगा ऑलमोस्ट ख़त्म। और अभी बारिश अभी के लिए स्टॉप हो गई है, तो अच्छी बात है। साइकिल को लग दिया था बाहर, थोड़ा सा बारिश में वॉश हो जाए इसके लिए। अच्छा दिखाया नहीं था, तो अभी नाश्ता ढूंढा चल रहा है।
मैं वस्ता भाई कवर कर दिया क्योंकि पापा को यहाँ पे बैठना अच्छा लगता है। कवर हो गया तो ज्यादा हवा भी ना आए और बैठने में भी अच्छा लगे। शिव को टीथिंग हो रहा है बहुत ज्यादा क्योंकि बाकी के दांत आ रहे हैं, तो इसके लिए क्यूकुम्बर और ऐसा कुछ ना कुछ मुंह में डालना होता है। चिकलिया है, कहाँ पे है चिकलिया? चकलिया माम खावा। सी यहाँ पे फॉलो करता है चकलिया जो होती है, सी, सी, जो बर्ड्स होते है ना। अच्छा नारियल माथे से पड़े तो बम नारू थाई। अभी आवाज है बाहु भी वहाँ पे घूम रहे। बाहु बाहु सोच रहा है कि क्या मैं ये ब्रिज पार कर पाऊंगा। सी आएगा तो वापस भागेगा। बाहु बाहु शिव को देख के दूसरी साइड भाग रहे हैं। जंप तो करना है बाहु को। बाहु आ जाओ, आ गया बाहु, आ गया बाहु। अब बाहु तुम गए। ओए बाहु सुनो, शिव की बात सुनो बाहु। एक पूछ मारी हमारे बेल ने बाहु को। भागो बाहु। Oh my God, आज यहाँ पे इतना गंदा था, ये सारा का सारा किसने क्लीन किया है? हमने नई नई भी कर लिए क्योंकि कल मंडे है, सोमवार से स्कूल स्टार्ट हो गया। आज हम बहुत थक चुके थे क्लीनिंग कर करके, तो अभी खाने के लिए बैठने वाले हैं सब लोग। बस हो गया अब, ठीक है, डन, थैंक यू। मैं ओम के लिए कल के लिए नाश्ता रेडी कर रही हूँ, मखाने रोस्ट कर रही हूँ।